राम राम जी सभी को। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग वर्सेस की लड़ाई ना करते हुए, अदर सिटीज़ वर्सेस गुड़गांव की लड़ाई ना करते हुए, कुछ सिंपल आप लोगों को कंक्लूजन्स पे लेके आएंगे कि हम लोगों को किस हिसाब से गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरे शहरों को देखते हुए, और हम लोगों को गुड़गांव में क्या फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कमियां, क्या बेहतर देखते हुए अपने सपनों का घर बनाना चाहिए। साथ में बात करेंगे दूसरे शहरों में हम लोगों को अगर लेना भी है तो क्या देख के अपने सपनों का आशियाना लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आज सिर्फ एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सा एक दो नज़रिया दूंगा, उसके बाद आप देख सकते हैं, और फिर कुछ चीज़ें इसी दौरान लेके भी आऊँगा इसी को वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। आज आपको एक 5 से 10 मिनट में आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, जो समझना चाहते हैं सीरियसली वो वीडियो पे बने रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें तो दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, शायद कुछ लोग कहीं पे सही दिशा मिल पाए किसी के मेरे ही माध्यम से, आपके माध्यम, तो आपको और मुझे बहुत खुशनसीबी होगी उस चीज़। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें गुड़गांव में ही क्यों चूज़ करना चाहिए। दो तीन सिंपल कारण हैं गुड़गांव और अदर शहरों को लेकर। मैं कुछ प्रोजेक्ट की बात भी करूँगा, प्रोजेक्ट्स के नाम भी लूँगा शायद, तो उससे भी आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा क्या दूसरे शहरों में और अब गुड़गांव में क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो जो ये 2012-13 से लेके और 2020 तक का जो दौर रहा था, या 12 से 15 लगा लो, 15 से 20 तक का जो दौर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई कम आई है। सप्लाई कम इन द सेंस ऑफ लॉन्चेस बहुत कम आए हैं। क्यों कम आए हैं? क्योंकि जो पहले लॉन्चेस हुए थे वो ओवर सप्लाइड लॉन्चेस हुए थे, चाहे वो गुड़गांव में हो चाहे वो नोएडा में हो, ठीक है। तो इन शहरों में पहले लॉन्चेस ओवर एक्स्ट्रा सेलिंग हो चुकी थी, तो इस जो ये दौरान टाइम रहा था इस दौरान लॉन्चेस कम आए थे। इस दौरान लॉन्चेस कम आए थे तो जो हमारे गुड़गांव है इसकी सप्लाई भी कम रह गई। क्यों, कैसे कम रह गई? अब जो लॉन्च आज से 5 साल पहले हुआ उसकी डिलीवरी आज हो। अगर आप 2023 का डिलीवरी रेशो देखें तो हमारे पास 2023 में डिलीवरी के लिए बहुत ही कम प्रोजेक्ट है। अगर गुड़गांव के कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स की बात, जो पिछला 1-1.5 साल है, इसमें 3-4 प्रोजेक्ट को छोड़ के डिलीवरी नहीं हुई है, और जो अब होने वाली डिलीवरी है, अब जो कमिंग ईयर जो 2024 तक होने वाली डिलीवरी है, इसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है क्या जिनकी डिलीवरी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी चाहे वो लॉन्च। तो सबसे बड़ा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, अगर आप लोग समझ पाए। यहाँ पे आज सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ फ्यूचर में जो अब लॉन्चेस हो रहे हैं। अब क्या हो गया, एरिया गुड़गांव का काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ अदर एरियाज। अदर एरियाज में क्या है, अब जैसे सोनीपत की हम लोग बात करें, सोनीपत में कुछ लोगों ने प्लॉट्स लिए थे पीछे, 1000 प्लॉट्स टोटल लोकेशन उसमें थे, लोकल हजार के हजार प्लॉट भी, हजार प्लॉट एक साथ एक टाउनशिप में डेवलप होने में कितना समय लगेगा, साथ में वहां पे क्या क्या चाहिए। आज जो है हम लोग यहाँ की डिमांड सप्लाई की बात, अगर हम सोना, गुड़गांव, द्वारका, इन सब की बात करें तो भी प्लॉट की टोटल कितनी सप्लाई है आप खुद देख सकते हैं, सप्लाई कितनी है और कितना उसमें से कन्वे हो चुका है सामान, कितना उसमें से कन्वर्ट हो चुका है, क्लाइंट्स के पास जा चुका है, एंड यूजर के पास जा। तो एक टाउनशिप सिर्फ और उसमें इतने सारे प्लॉट्स, और साथ में ये फैक्टर क्या, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो हब है, आज गुड़गांव एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, चाहे कोई सोनीपत रह रहा है या कोई कुरुक्षेत्र रह रहा है या कोई पंचकूला रह रहा है या कोई हिसार रह रहा है कोई सिरसा, तीन परिवार में से एक का बच्चा गुड़गांव में मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसने इस टाइप के, अगर आईटी में है, सॉफ्टवेयर कंपनी में है, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर इन सब शहरों का मिला के आप ऑन एन एवरेज मिलाया जाए तो जो आज गुड़गांव में आने वालों की तादाद है उसमें हरियाणा का एक बहुत अहम रोल है। तो जो दूसरी सिटीज हैं, चाहे वो हरियाणा का तो अहम रोल है ही है, साथ में बहुत अच्छा चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ हो, वहाँ के जो लोग भी गुड़गांव में आ रहे हैं उसका बहुत इम्पेक्ट, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है यहाँ पे, आईटी हो चाहे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो चाहे और छोटे, बिल्कुल छोटे लेवल के लघु उद्योग हो, जो पथरेड़ी साइड और आपके सोना साइड में
आने वाले टाइम में प्लान्ड है सारी, तो उसके कारण गुड़गांव में अच्छी आपको देखने को मिली है। साथ में आज एक फैक्टर गुड़गांव के साथ काम नहीं कर, वो है अफोर्डेबल होम्स का फैक्ट। हो क्या रहा है यहाँ पे, हर एक चीज अब बजट में आ नहीं रही, तो सब लोगों को सिर्फ एक कमी दिखती है गुड़गांव में, क्या यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती। सिर्फ आज कहीं पे भी बात हो, चाहे किसी न्यूज चैनल बात हो, चाहे किसी यूट्यूब पे बात, तो सिर्फ एक इशू सबके पास है, क्या, क्योंकि और कुछ कमी मिल नहीं रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो मुंबई एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मेट्रो से कनेक्शन जो नया अनाउंस हुआ है, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे का फैक्टर, सब पॉजिटिव, तो सब वाटर लॉगिंग के पीछे। वाटर लॉगिंग कहाँ नहीं होती, वाटर लॉगिंग दिल्ली में नहीं होती, तो अगर वाटर लॉगिंग दिल्ली में होती है तो क्या दिल्ली के प्राइसेस वाटर लॉगिंग की वजह से डिस्टर्ब होते नहीं? अगर क्या वाटर लॉगिंग मुंबई में नहीं होती, मुंबई में होती है, बहुत मेजर सिटीज में वाटर लॉगिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो अगर वहां पे वाटर लॉगिंग होती है तो उससे रियल स्टेट बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेगा। आज बारिश होती है, बारिश तीन बार बारिश पड़ती है पूरे सीजन में, चार बार वैसी बारिश पड़ती है जिससे वाटर लॉगिंग, तो उससे फर्क कितना पड़ता है रियल स्टेट में, ये देखने वाली बात है। और जो अब नई जगह आ रही है, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, वहाँ पे ये रेशियो बहुत कम है। हाँ, राजीव चौक, सुभाष चौक, इफ्को चौक, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बट धीरे धीरे करके अब आप लोगों ने देखा होगा, मतलब टनल के थ्रू पाइप ले जाके और वहां से जो ड्रेनेज है उसको मेंटेन किया जाएगा। तो अगर धीरे धीरे प्लान इम्प्लीमेंट होते हैं, चीजें होती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गुड़गांव से आगे, आज चाहे कोई भी शहर हरियाणा का लो तो उसमें मुकाबला नहीं है। आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप बेंगलुरु जाते हो, मुंबई जाते हो, गुड़गांव है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जो गुड़गांव की है, सप्लाई ज्यादा ना होने की वजह से आज बिल्डर्स के पास लैंड भी बहुत कम रहेगी काम कर। जब बिल्डर के पास लैंड कम बची है काम करने के लिए, तो ये सोचता है कि मैं जो डिलीवर करूं वो एक्स फैक्टर चीज डिलीवर करूं, वो चीज अच्छी डिलीवर, अगर वो अच्छी डिलीवर करेगा तो उसको दो पैसे अच्छे मिले। दो पैसे अच्छे लेने के लिए जो अफोर्डेबल होम का कॉन्सेप्ट है, जो मतलब कि सस्ते घर का कॉन्सेप्ट है, वो गुड़गांव में हो जाता है खत्म, क्योंकि गुड़गांव में डिमांड हाई रहती है और सप्लाई बहुत कम है। उस केस में अगर आप लोग सस्ते घर का सपना अगर गुड़गांव में देखोगे तो वो नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कुछ स्कीम के तहत आपको मिल सकता है, जैसे कि गुड़गांव में एक अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम। अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है बहुत अच्छी तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए उस पर। अब लोग क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें भी, चाहे किसी का 20 करोड़ का बजट है, 10 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ का बजट है, एक के पास आपको अफोर्डेबल हाउसिंग जरूर, क्योंकि रेंटल यील्ड इज क्वाइट गुड, साथ में इस रेट में गुड़गांव में कुछ मिलता नहीं है, साथ में लोकेशंस अच्छी मिल जाती है, क्योंकि उसमें बिल्डर को अब फायदा मिलने वाला है, फायदा मिल रहा है, क्योंकि रेट रिवाइज हो चुके हैं, पहले जो चीज कम रेट में थी आज वो बिल्डर को अच्छे रेट में मिल रही है, साथ में उसको कमर्शियल का एरिया ज्यादा पास हो गया, तो उसके कारण अब बिल्डर को मार्जिन आएगा तो बिल्डर ज्यादा अफोर्डेबल ले जाएगा। तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये वाली कैटेगरी हो जिसके 30-40 लाख का बजट है वही खरीद, उसमें चार चार फॉर्म, एक एक फैमिली से वाइफ, हस्बैंड, दादा दादी सबके इधर से भी फॉर्म है, इधर से भी फॉर्म, 500-500, 700-700 फ्लैट के लिए 6-6 हजार, 7-7 हजार एप्लीकेशन आ रही, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, चाहे वो हल्के से हल्का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब है, चाहे वो अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा, वो तो होना ही ओवर सब। तो ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल की स्कीम है नहीं गुड़गांव में, स्कीम है बट पब्लिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी भी सप्लाई बहुत कम है। अगर गुड़गांव में लैंड को देखते हुए करा जाए तो इसकी भी सप्लाई बहुत कम है, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है, क्या लोगों को पूरे को जो अफोर्डेबल होम लेने वाले हैं उनको ले सके। आज मैं किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर सिटी वर्सेस सिटी एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, और वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री होते हैं और अगर मेरा बात करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ चीज़ों को, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मेजर इफेक्ट गुड़गांव में एयरपोर्ट का है। अब पहले क्या था, पहले एयरपोर्ट से जो सप्लाई थी वो गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उसको दिखा के, मतलब एयरपोर्ट को दिखा के ये वाली सप्लाई बेची जा रही। आज क्या है, आज उसको दिखा के द्वारका एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव भी बिकता है, क्योंकि जब द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल होगा, ये बहुत कम समय लेने वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि अब ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं सारी चीजें, तो बेचने की बात नहीं है क्या वो दिखा के बिकता है, एक्चुअलिटी में वो पास होगा भी,
अगर आप उसका द्वारका एक्सप्रेस वे से डिस्टेंस देखेंगे, न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस, तो द्वारका जहाँ पे अब बात की जाती है जेवर एयरपोर्ट, जहाँ पे फ्लाइट्स एक शेड्यूल्ड टाइम है, सारा ऑपरेशनल है चीजें, फ्लाइट्स हर जगह के चलते हैं, यहाँ से आसपास पूरा दिल्ली बिल्कुल टच में है, ठीक है, साथ में गुड़गांव बिल्कुल टच में है, तो चीजें यहाँ पे ज्यादा स्मूथ है अभी, और वहाँ पे अगर होंगी तो होंगी फ्यूचर, अभी नहीं है। और जब जेवर से और यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं आप दिल्ली का या नोएडा के इस पार्ट का, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस नहीं है। तो उस केस में देखना पड़ेगा क्या वो किस हिसाब से प्लान होगी और किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। बिकता तो आ रहा है, हाँ, नोएडा बहुत अच्छा अपने आप में डेवलप हुआ है और साथ में प्लान तरीके से बनाया, उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। उसकी हम लोग सिलसिलेवार एक दो वीडियो जरूर करेंगे नोएडा और गुड़गांव के ऊपर, बट अभी अदर शहरों की सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ना मोल्ड करके दूसरे शहरों में सिर्फ इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है इस बात पे कि गुड़गांव में कुछ नहीं है उसके नाम। ये सही बात है, गुड़गांव में कुछ नहीं है उसके नाम पे, बट जो चीज जिस प्राइस की है आपको उस प्राइस पे उस रेट पे लेनी ही होगी। अगर आज कहीं का प्राइस 40,000 पर स्क्वायर यार्ड अगर आपको एक्स शहर में दिया जा रहा है, तो उसका कंपेयर करने का भी आपका फर्ज बनता है। उसको भी आप लोग देखेंगे क्या भाई वहां की जो लोकेलिटी है वहां पे HSVP का तो कम रेट है, पर्टिकुलर बिल्डर का ज्यादा रेट है, साथ में लोकेशन उससे हल्की है, बहुत सी चीजें हैं। तो आप लोगों को अपनी भावनाएं सिर्फ कहानियों के जरिए, कहानियां सुना के और खरीदने के जरिए उसको छोड़ के और प्रैक्टिकल सी चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ही मेरी सिर्फ सलाह है। बात मार्केट ओपन है, ये कोई बाइंग और सेलिंग सजेशन नहीं है, आप लोग अपना खरीद सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी जाके ले सकते हैं। ये सिर्फ एक मेरा नजरिया था आप लोगों को जो समझाने की कोशिश की थी, मैंने बहुत सी चीजें बताई भी नहीं है। एक नोएडा गुड़गांव की या और शहरों की और भी वीडियोस करते रहेंगे, और साथ में इस शनिवार को हम लोग लाइव जुड़ेंगे आपके साथ, तो बने रहना चैनल पे और चैनल को जरूर सब। थैंक यू।